हेलो एंड वेलकम टू डी के गुरु ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं दो ऐसे यूनिवर्सिटियों के बारे में जहां से निकलकर आया है पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन। अन अकेडमी पे शुरू हो चुका है यूजीसी नेट जेआरएफ 2020-21 का प्रिपरेशन। अगर आप भी 2021 में नेट जेआरएफ का एग्जाम देने वाले हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अन अकेडमी को, क्योंकि वहां पे आपको मिल रहा है कंप्लीट कोर्स पेपर वन और पेपर टू के लिए, जहां पे आपको पेपर वन के साथ साथ पेपर टू का क्रैश कोर्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कराया जाएगा, डाउट सेशन भी कराए जाएंगे, क्विज भी कराए जाएंगे, टेस्ट भी लिए जाएंगे और लाइव क्लासेस भी मिलेंगे। तो फटाफट आप अन अकेडमी पे जाएं और अन अकेडमी पे जाकर के फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लें। अगर यदि कि आप प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और रेफरल कोड के तौर पे अगर डी के गुरु नेट को यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ कर दिया जाएगा। जिसके अलावा एक और अपडेट निकल कर आया है अन अकेडमी से ही, और वो अपडेट है अन अकेडमी कॉम्बैट के बारे में। दोस्तों, अगर यदि कि आप नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप भी इस कंपटीशन को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं और जीत सकते हैं कुछ एक्साइटिंग प्राइजेस, क्योंकि अन अकेडमी पे कराया जा रहा है अन अकेडमी कॉम्बैट। ये बेसिकली एक ऑनलाइन क्विज की तरह है जहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और जीत सकते हैं कुछ एक्साइटिंग प्राइजेस। यहाँ पे अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो जाना होगा आपको अन अकेडमी पे, और वहाँ पे जाने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। दोस्तों, जैसे ही आप वहाँ पे जाएंगे आपसे एक रेफरल कोड मांगा जाएगा जहाँ पे आपको डालना है डी के गुरु नेट। जैसे ही आप इस रेफरल कोड को डाल देंगे बिल्कुल फ्री में आप खुद का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। दोस्तों, अब चलते हैं आज का वीडियो के ऊपर और बात करते हैं कि आखिरकार वो कौन सा विश्वविद्यालय है जहां से निकल कर आया है पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन। दोस्तों, सबसे पहला यूनिवर्सिटी है डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी। दोस्तों, ये असम का एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। यहां से निकल कर आया है पीएचडी एमफिल एडमिशन नोटिफिकेशन। आपको वो नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आना होगा डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के लिए आपको गूगल में टाइप करना होगा dibru.ac.in। जैसे ही आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बेसिकली इम्पॉर्टेंट अपडेट। जैसे ही इस इम्पॉर्टेंट अपडेट में आप देखेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एडमिशन नोटिस फॉर पीएचडी एंड एमफिल प्रोग्राम। इसके ऊपर सीधे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने वो नोटिस डाउनलोड होकर सामने आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप उस नोटिस को देख पाएंगे। अगर जबकि आप इसको अपना मोबाइल फोन में डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। जी हाँ दोस्तों, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगर आप यहाँ से पीएचडी करते हैं तो आपको यहाँ पे फेलोशिप भी अवेलेबल कराया जाएगा। इस यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के लिए cup.edu.in टाइप करना है। जैसे ही आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे इस तरीके का एक इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस वेबसाइट को जैसे ही स्क्रॉल करते हुए आप नीचे आएंगे यहाँ पे देखने को मिलेगा एडमिशन 2020-21। इसके ऊपर आपको सीधे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे यहां पे देखने को मिलेगा एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम जनवरी 2020-21 इनटेक। इसके ऊपर आपको सीधे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं यहां पे आपको दो नोटिस देखने को मिलेगा। सबसे पहला कि एडवर्टाइजमेंट का लिंक है और दूसरा एक यहाँ पे प्रोस्पेक्टस का लिंक है। सबसे पहले आप यहां पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके उस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर लेंगे जो कि अपलोड किया गया है या फिर कह सकते हैं जारी किया गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की ओर से। दोस्तों, जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे यहाँ पे आपको डिटेल में पीएचडी एडमिशन संबंधित नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप देख पाएंगे कि आखिरकार कौन कौन सा सब्जेक्ट है जिनसे यहाँ पे वैकेंसी है और कितना वैकेंसी है। यहाँ पे आप डिपार्टमेंट देख लीजिए, यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख लीजिए और यहाँ पे सीटों की संख्या देख लीजिए। दोस्तों, जैसे ही आप इस नोटिफिकेशन को स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे यहां पे आपको देखने को मिलेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जहां पे साफ कर दिया गया है कि आपका जो मार्क्स है वो मास्टर डिग्री में 60% होना चाहिए तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ नेट जेआरएफ क्वालिफाई स्टूडेंट ही सिर्फ इस फॉर्म को भर सकते हैं, अभी पीजी पास स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आप जैसे ही और नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि कैसे सिलेक्शन होगा।
वहीं पे और नीचे आने पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना होगा। यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स देखने को मिलेगा, जहाँ पे देख पाएंगे कि 20 तारीख से ये फॉर्म भरना आरंभ होगा और 31 जनवरी तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। यहाँ पे आप फ़ी देख सकते हैं कि किसके लिए कितना फ़ी रखा गया है। उसी तरीके से नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कब से आपका क्लासेस शुरू हो जाएंगे। उसी तरीके से जैसे ही आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे और भी बहुत सारा डिटेल आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखने को मिलेगा फ़ी स्ट्रक्चर कि आखिरकार कितना फ़ी आपको पेमेंट करना होगा पीएचडी करते समय, ये भी आप एक बार देख लें। तो कुछ नहीं करना है, आप आ जाइए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ से आ करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इन सारे चीज़ों को पढ़ लीजिए। दोस्तों ये वो दो विश्वविद्यालय था जहाँ से निकल कर आया है पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।